इसी के साथ हमें इसमें मीट डालना है और इसको, यही जो ट्रिक है जो आपको होटल जैसे लगेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। आप लोग को देख के लग रहा होगा ये क्या डाल दी, बट आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जो कि घर के रेगुलर जो सब्जी है वो उसी से मैं मिक्स वेज बना रही हूँ और रेगुलर मसाले से ही बना रही हूँ। इसमें कोई ये बाहर का मसाला नहीं है, बट होटल जैसे आपको टेस्ट आएगा। आपको मैं दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिक्स वेज बनाने के लिए हमने लिए हैं ये हरा मटर लिए हैं और गाजर लिए हैं, गोभी लिए हैं, बीन्स और कैप्सिकम, ये शिमला मिर्च है और इसका ये इससे ना बहुत अच्छा कलर आता है, ये बीट रूट है, चुकंदर और ये गाजर। ये सब्जी बनाने के लिए हमने इतना चीज़ लिए हैं और आगे का मैं दिखा रही हूँ। और इसके लिए आलू मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को आलू बहुत पसंद है और ग्रीन वेजिटेबल उसको थोड़ा भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे आलू ज़्यादा रखना पड़ रहा है। और ये सारे वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है और उसके लिए हमें प्याज चाहिए, 4-5 प्याज कट करना है, 3 टमाटर को कट कर लिए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इधर सब्जी को हमें फ्राई करना है, उसके लिए हमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। सभी आदमी अलग अलग सभी वेजिटेबल्स को फ्राई करते हैं, बट मैं दिखा रही हूँ जो कौन सब्जी सभी चीज़ को एक ही बार फ्राई करके कैसे जल्दी बनाना है, तो वो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें गोभी डालेंगे। गोभी को डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो अलग अलग सभी सब्जी को फ्राई कर सकते हैं, बट मैं टाइम सेविंग के लिए बता रही हूँ, जो थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ फ्राई करके और इसी में डालते जाएंगे। जब ये गोभी अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसी में आलू डाल देंगे, इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। एक एक चीज़ डाल के और फ्राई करके उसके बाद हमें सब सेपरेट फ्राई नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं जो सेपरेट फ्राई करें तो आप कर सकते हैं। तो अब थोड़े देर आलू को भी साथ में ही फ्राई कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़ अच्छे से फ्राई हो गए तो बीन्स डालेंगे। एक एक करके हमको सब डालना है, सारा वेजिटेबल्स एक बार नहीं डालना है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा फ्राई करके, ताकि सभी सब्जी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे भी फिर 5 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। बार बार हमको ये सेपरेट करके फ्राई नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। ये देखिए ये भी फ्राई हो जाएगा। इसको ऐसे फ्राई करते रहना है और लास्ट में मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो होटल जैसे टेस्ट आएगा आपको मिक्स वेज में। तो ये देखिए इसे भी अच्छे से फ्राई करते रहना है। ये भी फ्राई हो गया तो हमको कैरेट डाल देना है, पीस भी डाल देना है, वही मटर, कैप्सिकम, सारे वेजिटेबल्स को। अब ये सबको थोड़ा ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कैरेट भी रॉ खा सकते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई कोई भी चीज़ को नहीं करेंगे। ये देखिए अब इसे थोड़े देर के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए बीट रूट से ना इसका कलर मिक्स वेज में ना बहुत अच्छा इसका कलर आता है। अब सभी को अच्छे से चलाते रहना है,
5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे इसको। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को बना के खिलाइए, सभी को पसंद आएगा। और इसमें आप पनीर डालिए, मेरे पास अभी पनीर खाली है। सडनली प्लान होता है, थोड़ा थोड़ा जो सब्जी था मिक्स करके, मैं इसलिए मिक्स वेज बना दी, तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास पनीर है तो आप इसमें पनीर भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। अब ये फ्राई हो गया, इसको निकाल लेंगे। अब जब ये फ्राई कर लिए, उसी कढ़ाई में गर्म हो जाए तो जीरा बे लीफ डाल देंगे, साथ में प्याज डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से चलाना है, इसको ढक के अच्छे से, ढक के इसको अच्छे से प्याज को लाल होने के लिए छोड़ देंगे। इसका जब कलर चेंज होने लगे तो इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसे भी थोड़ा फ्राई करना है, जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल जब चला जाए तब इसमें टमाटर डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते रहेंगे। अब ये इसका भी कलर चेंज हो गया तो इसमें टमाटर डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। आपको अगर स्पाइसेस पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिली कट करके डाल सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ, क्योंकि इससे अच्छा तीखा होगा। इसी के साथ जो हम लोग रेगुलर सारे सब्जी में जो मसाले डालते हैं वही अब डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको अच्छे से चलाना है। इसी के साथ हमें इसमें मीट डालना है और इसको, यही जो ट्रिक है जो आपको होटल जैसे लगेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। आप लोग को देख के लग रहा होगा ये क्या डाल दी, बट आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। जब इसमें ऑयल छोड़ने लगे इसको अच्छे से फ्राई करते रहना है। आप लोग ज़रूर ये ट्रिक आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा, होटल जैसे फीलिंग्स आपको आएगा। आप 1 चम्मच डाल देंगे चिकन मसाला, पेपर डालना है, वो मैं भूल गई थी, दरदरा करके पेपर डालेंगे। 1 टीस्पून ये भुना जीरा मसाला डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। फिर इसे चलाना है, साथ में ये चाट मसाला डालना है, इसे चलाना है। जब अच्छे से कढ़ाई में ऑयल छोड़ दे तब इसमें जो सारे वेजिटेबल्स फ्राई किए थे सारे सब्जी को इसमें डाल देना है। इसी टाइम पे ये सारे सब्जी इसमें डाल देंगे। अब इसको चलाना है। ये देखिए इसका बीट रूट डालने से कितना अच्छा इसका कलर आ गया और बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा सा शुगर डालेंगे, चीनी थोड़ा सा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ड्राई वाली सब्जी पसंद है तो आप ड्राई ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा इसमें पानी डालूंगी। अगर आपको लंच वंच में देना है तो आप ऐसे ही ड्राई छोड़ देना, ऑलरेडी सारा सब्जी
फ्राई है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए, इसमें पानी डाल देंगे, साथ में कसूरी मेथी को प्रेस करके डाल देना है। मैं भूल गई थी, आप लोग इस मसाला जब फ्राई करते हैं ना उसी टाइम में कसूरी मेथी को डालिएगा, मसाला में इसका अच्छा फ्लेवर आएगा, बट मैं अभी डाल दी हूँ। आप लोग ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर है, बीट रूट डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अलग कर देता है सब्जी का, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ये देखिए सब्जी बनके रेडी हो गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।